कोरोना महामारी से कई लोगों की नौकरी तो चली गई। आपको बता दूं कि जिस तरीके से महामारी ने पूरे देश में दस्तक दिया था, उसके बाद संपूर्ण देश लॉकडाउन पे चला गया था, उसके बाद कई लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में सड़क पर काम कर रहे थे। आयुष्मान भारत के तहत कुछ लोग जो है वो काम कर रहे थे कोविड में, और ऐसे में WHO द्वारा कोविड 19 महामारी के तीसरे स्टेज आने की चेतावनी के बावजूद भी आयुष्मान भारत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में संचालित आयुष NPCDS परियोजना के तहत इन्हें रखा गया था। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इनकी क्या मांग है, क्योंकि बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ऐसे में इनकी क्या मांग है इन्हीं से जानेंगे। क्या बैनर पोस्टर लेके आए हुए, किस लिए आए हैं? जी, हमारा जो एक्सटेंशन था 30 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया, ठीक है। हम 5 साल से कार्यरत थे, इस कार्यरत, इसके बाद हमारा सेवा समाप्त कर दिया गया। मतलब आप लोगों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल आयुष मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया, आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का खत्म? हाँ, 30 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो फिर री कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं क्या, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि हम लोग को एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है, हर एक 6 महीना पे, ठीक है। तो मतलब कि 5 साल हम लोग से हो गया, ठीक है, 5-5.5 साल रहते हैं। उसके बाद अचानक मतलब कि दे दिया गया कि बंद हो रहा ये चीज़, ठीक है। तो अचानक अगर कोरोना काल में कोई भी अति किसी का जॉब चला जाए तो भुखमरी हो जाएगा। मोदी जी खुद कहते हैं कि आयुष विभाग को, आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि बंद करने के लिए। तो सारा मतलब कि हम लोग का भविष्य को देखते हुए, ठीक है, तो हम लोग का भविष्य देखते हुए मतलब बोलना क्या चाहेंगे, मोदी को सारा देश अति जानता है। और मतलब आप लोग आयुर्वेद के, मतलब आयुर्वेद में काम कर रहे हो आप? जी जी जी, जी। मतलब क्या जी, मतलब काम करते हो आप लोग किस तरीके से? हम सर, हमें उसमें एक सेंटर पे 7 स्टाफ हैं, 2 अनुसंधान सहयोगी, 2 फार्मासिस्ट, 1 योगानुदेशक, 1 कार्यालय सहायक और 1 मल्टीटास्किंग अटेंडेंट। ये एक सेंटर पे 7 है, टोटल 18 जगह पे, टोटल 126 लोग काम करते हैं गया सेंटर पे, और उन लोग का अचानक। तो आपने सुना, सीधे तौर पे ये आयुर्वेदिक में काम करने वाले लोग हैं, और इनका कहना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 30 अप्रैल तक था, और अब जिस तरीके से 30 अप्रैल को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और बिहार सरकार ने जिस तरीके, और माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने जिस तरीके की जो बात कही है कि जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म कर दिया जाएगा, वैसे में ये इन लोगों का कहना है कि लगातार मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे में अगर हमारी नौकरी चल जाएगी तो हम किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इनका सीधे तौर पे मांग है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपना भरण पोषण कर सके। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों की पहले की बात है, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।